हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो में अभी हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं लुसेंट से। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 50 तक कवर कर लिया था सौरमंडल, तो उसे आगे देखते हैं। प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है। पूछा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं। तो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, मरकरी और वेनस कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार आएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। यूरोपीय वासी करते थे शुक्र का, शुक्र। और अगर इटालियन शब्द पूछा जाए तब होता प्लूटो, प्लूटो। प्लूटो जो था वो वेल्थ का देवता था, तो इसीलिए अगर कहीं पे आ जाए इंग्लिश का प्रश्न, अगर प्लूटो मानिया आ जाए, प्लूटो फोबिया हो जाए, तो मीन्स धन का लगाव या धन का डर, ऐसे समझना है। क्योंकि प्लूटो का मतलब क्या होता है? वेल्थ, धन। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? शुक्र है, शुक्र, याद रखिएगा शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? शुक्र, शुक्र। क्योंकि सन क्या, सॉरी अर्थ क्या है? शुक्र और मंगल के बीच में है, तो नज़दीक किसके है? शुक्र के। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, दोनों स्टार कहा जाता है शुक्र को। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि सबसे अच्छा दिखने में यही तारा है, ठीक ना, इसीलिए कहा जाता है सौंदर्य का तारा भी शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो मैंने बताया था कि सन के जो सबसे नियरेस्ट दो प्लैनेट है उसमें क्या है? उपग्रह नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। और धरती के पास कितना उपग्रह है? एक, जिसे हम कहते हैं मून या चंद्रमा। नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है? फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो किसका? शुक्र का, क्योंकि यही सबसे नज़दीक है। फिर है, वे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? मीन्स सीधे शब्दों में ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है। तो पढ़े हैं बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। नेक्स्ट, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा? तो ये भी होगा शुक्र, शुक्र, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? मीन्स धरती का जो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि धरती क्या है? नारंगी के शेप का है, पर वास्तविकता में वो क्या है? लच्छव गुलाब है, लच्छव गुलाब, या उसे एलापेथिकल कहा जाता है, मीन्स इस शेप में है, ठीक ना, पूरा नारंगी शेप हम नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए डी आपको ऑप्शन में लगेगा, तो ये डी टिक लगाओगे। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो वो होता है एक डिग्री प्रतिदिन, एक डिग्री प्रतिदिन। देखो इसीलिए एक डिग्री एक दिन में होता है, तो 365 दिन में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। फिर आपके दिमाग में आया कि 360 होना चाहिए था, तो देखो अर्थ क्या है, अपने एक अक्ष पर थोड़ा झुका हुआ है, इसके कारण ये इतना टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण चाल क्या है? फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, मीन्स सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है, तो ये पहले भी प्रश्न आया था कि क्या होता है, अधिकतम होता है जब वो सन के निकट होता है, जब इसके आसपास होता है तो क्या होता है, वो फास्ट होता है। उसके ऑपोजिट भी आ सकता है कि अगर दूर रहता है तो क्या होता है, वो स्लो रहता है, आप टिक लगा लोगे। फिर पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? क्या है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ध्यान रखना ये मिनट दिया गया है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। फिर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो लगभग में है 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको साइंस में पूछा जाएगा ये प्रश्न, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये याद रखोगे। ये वो स्पीड है कि अगर इस स्पीड से आप किसी सामान को फेंकते हो तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता है, इसीलिए इसे पलायन वेग कहा जाता है, तो
याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो सबसे अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी का कब होता है? वो होता है जुलाई में, जुलाई। पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? देखो उप मैंने कहा था नज़दीक, और अप मीन्स क्या होता है? दूर। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि सबसे नज़दीक किस मीन्स दिन होता है। यहाँ पे था अधिकतम दूरी, यहाँ पे आपको अपसौर भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, अपसौर लिखा रहेगा। जैसे उपसौर का मतलब क्या होता है? न्यूनतम दूरी किस टाइम में होता है, तो वो होता है जनवरी, जनवरी। नेक्स्ट है ऋतुएं क्यों होती है, मीन्स वेदर जो चेंज होता है वो क्यों चेंज होता है? तो वो क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी जो होता है सन के चारों साइड घूमता है, इसके कारण होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण, यहाँ पे परिभ्रमण और परिक्रमण पे ध्यान दीजिएगा, या घूर्णन पे, तो ये परिभ्रमण है। और घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात चेंज होता है, तो बस ये कन्फ्यूज ना होना। फिर गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसे ये पता चलता है कि क्या वो चपटी है, मीन्स चपटी का मतलब ऐसा पूरा चपटा नहीं है, इस शेप में, मीन्स चपटा ऊपर में पूरा गोल नहीं है। अच्छा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का भार सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुव पे। कहाँ पे सबसे अधिक? ध्रुव पे। और सबसे कम कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे, सबसे कम विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो बहुत बार रिपीट किए हैं ये, किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ये पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है? सन पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है। फिर आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है, पांचवा। फिर ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? मीन्स दोनों साइड, एक साइड क्या है? शुक्र है, दूसरी साइड क्या है? मंगल है। मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र। फिर सूर्य और पृथ्वी का मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? मीन्स उपसौर क्या होता है? 22 सितंबर, 22 सितंबर। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था 4 जनवरी, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे क्या होगा? 3 जनवरी पे आप टिक कर लोगे। उस दिन उसका दूरी होता है 147.5 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। तो ये क्या होता है? न्यूनतम दूरी। और मैक्सिमम दूरी कब होता है? वो होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है आपको, 4 जुलाई और इधर 4 जनवरी। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है कितने दिनों में? तो 365 दिन और 6 घंटा होता है, 6 आवर। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, सी इसको करके देख लो। देखो 365 दिन तो सब में दिया ही गया है, और 6 आवर मीन्स क्या होता है? 6 आवर एक दिन में कितना होता है? 24 डे, 24 डे। 1/4 मीन्स 365 और 25 डे होना चाहिए, बी सही आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मीन्स पृथ्वी का प्राकृतिक नेचुरल तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा, चंद्रमा। और भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्टिफिशियल तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। और दुनिया के द्वारा मीन्स सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा था? स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था, कब? 1969। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। नेक्स्ट है दिन व रात होने का क्या कारण है? तो क्या होता है? अपने अक्ष पे घूमता है वो कारण होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, यहाँ पे परिभ्रमण नहीं कीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो कितने में? 4.2 वर्ष लग जाता है, समझ सकते हो कितना दूर है। और उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपसे प्रश्न ऐसे भी आएगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर।
फिर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितनी देर में घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। अब देखो 4 सेकंड लास्ट वाला याद रखो, उससे क्या होगा कि आप ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पहला घंटा और मिनट हो सकता है आपको ऐसे ही मिल जाए, पर सेकंड नहीं दिया जाता है मेरे लिए। तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? दिन और रात की अवधि समान होता है। फिर है इक्वेनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? देखो इक्वेनॉक्स जो होता है मेनली वो इक्वेटर को डिनोट करता है, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा को। तो वहाँ पे क्या होता है? दिन रात की अवधि समान होती है, दिन रात समान अवधि की होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। भूकल तथा भू अक्ष का झुकाव कितना है? कितना है? 66.5 या 66.5 डिग्री बोल सकते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न आता है कि जितने भी ग्रह हैं सबसे अधिक झुकाव कौन से प्लैनेट का है, तो वो भी है पृथ्वी का ही। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पे कितना उपग्रह है? एक है चंद्रमा। नेक्स्ट है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितना घंटा? 2400 घंटा। कितना? 2400 घंटा। फिर पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पढ़ चुके हैं ये, कौन है? शुक्र। नेक्स्ट है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? देखो अब सोच रहे हो कि कौन से जगह से है, तो सूर्य से, मेनली सूर्य से ही मापा जाता है। तो तृतीय स्थान पे कौन है? पृथ्वी है। पहले स्थान पे बुध, दूसरे स्थान पे शुक्र और तीसरे स्थान पे पृथ्वी और फिर चौथे पे मंगल, उसके बाद स्टर्ड बेल्ट, फिर जुपिटर और फिर स्टर्ड, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है। फिर पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो वो बनाती है 66.5 डिग्री। भी पढ़े हैं 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विद्युत रेखा पर सीधी पड़ती है? कब पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 मार्च को। 21 मार्च तथा 23 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो देखो सबसे समीप अगर बात करें तो सूर्य होगा, सूर्य, और सूर्य के अलावा दूसरा कौन सा है? तब हम देंगे अल्फा सेंचुरी, जिसे अभी हम पढ़े थे कि 4.2 वर्ष लगता है लाइट आने में। तो यही प्रश्न था अल्फा सेंचुरी के बारे में। वह किसके सर्वप्रथम, यह किसने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ये कहा था कॉपर निकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? तो अभी पढ़े हैं भूमध्य रेखा पर, उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? पूरा काला दिखाई देगा। फिर पृथ्वी का परिधि कितना है? वो होता है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो वो होता है 21 जून। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में, 21 जून को हम लोग कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि कैसी होती है? 6 माह दिन 6 माह रात। फिर निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो अगर औसत घनत्व की बात करें तो वो सबसे अधिक किसका होता है? वो होता है पृथ्वी का। और इस समय सबसे कम किसका होता होगा? बृहस्पति का। यहाँ पे आप पृथ्वी याद रखोगे। तो यहाँ एंड करते हैं क्योंकि हमारा 100 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया और इस वीडियो में मैंने 50 कवर कम्प्लीट किया। तो और भी इसका 2 सीरीज आएगा सौरमंडल का, तो आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा सौरमंडल, आपको दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।